हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? मैं रितिक कुमार, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल रेट्रो क्लासर पर स्वागत है ना। तो मैं आपको पीछे वाले वीडियो में बता दिया था कि भाई अब आपको फाइनली आपके 10th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करने वाला है ना। तो जितने भी आपको बेसिक बेसिक बात बताया गया, मल्टीप्लीकेशन का, साइंस के बारे में डिटेल्स बताया गया है, उसको आपको अच्छे से क्या करना पढ़ना है और साथ साथ नोट्स भी आपको प्रिपेयर करना, ठीक है? ओके। तो अब एक बात आज से आप रखिए ध्यान, जब भी हम वीडियो आप बनाते हैं ना, जब भी आप मेरा वीडियो देखो है ना, तो आप एक पेन ले लिया करो और एक नोट, और उस पर जितने भी बताया जाता है उसको आपको राइट डाउन करना है ना, मेरे साथ साथ आपको लिखते चलना है ना। तो कई सारे ऐसा बात रहेगा हम आपको वहां पे लिख नहीं पाऊंगा अपना, आपको क्या करना है खुद से लिख लेना है ना। हम बोल दूंगा लेकिन आपको क्या करना, आपको लिख लेना है, ठीक है? तो ये बात क्लियर हो गया। तो आज से आपको बस दो काम करना है, एक आपको नोटबुक लेना है और उस पर लिखनी है, ठीक है? और उसको कई बार दिन में 2 से 3 बार आपको रिकैप करना है, बिल्कुल आ जाएगा है ना। इसलिए टेंशन नहीं लेना है आपको। पहले हम थ्योरी पार्ट करवाऊंगा, थ्योरी पार्ट के बाद उसमें ही थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा, फिर हम चैप्टर पर आएंगे। तो चैप्टर में जितने भी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे हम उसके वन बाय वन क्या करेंगे, उनको बोर्ड पर लिख के हम उसको सॉल्व कर दिया करेंगे, ठीक है? और फिर सबके पीछे हम लॉजिक भी बताएंगे और साथ साथ हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, एग्जाम में आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के बन गया है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? ये बात आपको क्लियर हो गया बिल्कुल। तो आप ये एक काम करना है कि नोटबुक लेके राइट डाउन करना है और साथ ही साथ आप मेरे वीडियो को अच्छे से देखा करो है ना। अब बिल्कुल कंसंट्रेट होके बिल्कुल फोकस करना, आपकी आईज और मेरे वीडियो पर होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से, ठीक है? तो चलिए, आप आज हम आपके लिए 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स का जो होती है ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। ट्रिग्नोमेट्री होता है क्या, बिल्कुल आपके लिए न्यू चैप्टर है। तो न्यू चैप्टर में क्या होता है, बच्चों को काफी प्रॉब्लम होता है, समझ नहीं आता, कि कई बार ऐसा होता है कि उसको बोन्स पूरा कर जाता पूरा पूरा चैप्टर है ना। तो आपको क्या करना, अच्छे से समझना, बिल्कुल हम बेसिक से चलेंगे, बेसिक बेसिक आपको बताते चलेंगे है ना। एंगल क्या होता है, एंगल के में कितने डिवीजन होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, उसके बाद ही हम ट्रिग्नोमेट्री पर फाइनली आने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए हम आज आपको स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज आप मेरे वीडियो को अच्छे से देखा करो है ना, बिल्कुल ध्यान पूर्वक, ठीक है? कंसंट्रेट हो गया, चलिए। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है? तो ये पढ़ने वाले हैं। तो पहला हम देखेंगे कि एंगल किसको कहते हैं ना। पहला जो मेरा बात रहेगा एंगल पर, एंगल कहते हैं किसको, ठीक है? तो आपको सबको पता होगा, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना एंगल किसको कहते हैं ना। तो आज मैं आपको डिफिनेशन भी बताऊंगा, उसके साथ साथ पहले फिगर के दो समझेंगे। और फिगर क्या होता है, सपोज ये कोई तुम्हारा ए, वो एक आपका क्या है, डी है, वो क्या है, एक रेखा। और ये ओए रिया क्या करता है, एक फिक्स पॉइंट से क्या करता है, चाहे अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड क्या करता है, रोटेशन करता है ना। फिक्स पॉइंट से मतलब इनिशियल पॉइंट, इसको इनिशियल पॉइंट भी आप कह सकते हो, वो क्या बोल सकते हो, इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से क्या करता है कि फिक्स डायरेक्शन में रोटेशन करता है, चाहे अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। अपवर्ड करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज होता है और डाउनवर्ड करेगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, है ना। तो ये दो चीज आपको बेसिक पहले समझ में आया है ना। तो एंगल का डेफिनेशन क्या होता है, एंगल का डेफिनेशन ये देना है, सबसे बड़ी बात, रोटेशन ऑफ रे फ्रॉम अ फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट। ये बात समझ में आ गया है ना। तो सबसे पहले आपको एंगल को हिंदी में कौन भी बोलते हैं ना, एंगल को कौन भी क्या बोलते हैं, कौन। इनिशियल मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट कहते हैं। और रोटेशन चाहे एंटी क्लॉक होगा या फिर क्लॉक होगा, तो हम इसको एक हो सकता है, ठीक है? तो यहां हम एक और बना लेते हैं, ठीक है? ये भी आपका ओए रे है, ठीक। अब क्या करते हैं, इस रे को हम पहले एंटी क्लॉक बना, एंटी क्लॉक मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में ना, एंटी लग गया मतलब बिल्कुल उल्टी में, ठीक है? तो एक एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो कुछ इस तरह से ओए आ जाएगा, आ जाएगा ना, है ना, कोड ऐसा रहेगा। तो जो इसके बीच में जो एंगल बनता है, एंगल को जनरली हम थीटा से डिनोट करते हैं। एंगल का डिनोटेशन कई तरह से होता है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, कुछ भी हम ले सकते हैं ना,
ठीक है, तो हम आपको जनरली क्या कर रहे हैं, थीटा से डिनोट कर रहे हैं। और ये कैसा बन रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज कैसा बन रहा है, ये इसका फिक्स पॉइंट था। अभी फिक्स पॉइंट से क्या कर रहे हैं, धीरे 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 रोटेट किया है ना, रोटेट करने के बाद यहाँ आ गया। तो हम इसको इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन होगा तो हमेशा एंगल क्या होगा, एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव, इसको शॉर्ट में से लिखा जाता है, हमेशा क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, भी हमेशा क्या बनेगा, पॉजिटिव जब एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन होगा। तो ये बात समझ में आ गया, तो थीटा यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव वैल्यू देगा, थीटा आपका क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि एंगुलर डिनोटेशन किससे, थीटा से है, ठीक ना। अगर इसका बात किया जाए तो ये रे क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर रोटेट करेगा, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर रोटेट करेगा, तो सपोज ये यहाँ कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, थीटा बनेगा, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन हुआ इसलिए एंगल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसको लिखेंगे एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, सॉरी क्लॉक वाइज डायरेक्शन इसको लिखना है ना, क्योंकि ये तो एंटी क्लॉक हो गया, इसको क्लॉक वाइज डायरेक्शन लिखना है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ठीक है ये चीज। और इसका जो एंगल होगा, एंगल नेगेटिव होगा, ठीक ना, नेगेटिव में पाया जाएगा, इसको शॉर्ट में एन बी स्टैंड भी नोट करेंगे आज के बाद, ठीक है ना। आपको साथ साथ मेरा शॉर्टकट भी सीखना है कि एन माइनस बी से नेगेटिव बोलेंगे, प्लस बी से पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक है। आज जो थीटा है वो हमेशा वह नेगेटिव हुआ, हमेशा थीटा क्या हुआ, नेगेटिव। तो ये बात आपको लिख लीजिएगा अच्छे से, राइट आउट कीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं एंगल का देखते हैं टाइप्स, ठीक है। तो एंगल हमें दो तरह से पढ़ना है, अभी टेंथ के चैप्टर में बस आपको एंगल इन डिग्री पढ़ना है, एंगल इन क्या पढ़ना, डिग्री। जैसे आप इलेवंथ के चैप्टर में चले जाओगे, ट्वेल्थ में चले जाओगे, क्लास में चले जाओगे, तो आपको वहाँ रेडियन तो फॉर्मेट में पढ़ना रहता, और सर्कुलर को ही बोला जाता है रेडियन फॉर्म में, है ना, इसको सर्कुलर फॉर्म को ही रेडियन फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। तो एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो दो तरह का होता है एंगल, है ना। एंगल का टाइप्स देखा जाए तो एंगल बेस्ड ऑन पढ़ेंगे बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री पर पढ़ें, और डिग्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसको सेक्सा सोगी मल बोला जाता है, ठीक है, सेक्सा सोगी मल, या इसको क्या बोला जाता है, इंग्लिश बोला जाता है, ये ना, फिर इसको इंग्लिश बोला जाता है, याद रखना है ना। तो तीन नाम से जानते बाबू, डिग्री को शिक्षा गोर्जिनर बोला जाता है या फिर इंग्लिश बोला जाता है ना। तो आपको पता है कि वन राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, ठीक है, वन मिनट को हम एक सिंगल लगाते हैं, वन मिनट में क्या होता है, 60 डिग्री होती है, कितनी डिग्री होती है, 60, और वन सेकंड का बात करेंगे, वन सेकंड में क्या होती है, 60 डिग्री होती है, कितनी डिग्री होती है, 60 डिग्री। तो ये सब आपको बेसिक बेसिक बातें हैं, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया ना। वन राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, वन मिनट में क्या होता है, 60 डिग्री होता है, और वन सेकंड में कितना होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक, ये बात समझ में आ गया। अब देखते हैं हम सेकंड, जो कि मेरा क्या है, सर्कुलर, सर्कुलर रीजन, सर्कुलर फॉर्म, सर्कुलर फॉर्म को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रेडियन, और रेडियन को डिनोट करते हैं, निकलना, डिनोट बाय, डिनोटेड बाय एक सी, है ना, सी अंडरस्टूड क्या, रेडियन, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो या फिर सिंपली छोड़ भी सकते हो, है ना, उसका मतलब तो क्या मतलब होता है, रेडियन ही होता है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। और आपको एक और फॉर्मूला याद करना कि 180 रेडियन में पाई रेडियन होता है, 180 डिग्री में कितना होता है, पाई रेडियन। तो अगर पूछेगा कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो पाई बाय 180 डिग्री रेडियन, ठीक है, 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 डिग्री रेडियन, ठीक है। अगर यही पूछेगा कि 1 रेडियन में कितना होगा, 1 रेडियन के लिए क्या करेंगे हम, 1 पाई, वन रेडियन में पाई अगर इधर है तो नीचे आ जाएगा, तो 180 कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको पाई कर सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं।
3.14 होता है। ठीक, ये बात समझ में आ गया सबको, है ना। और आपको यहाँ पे ये भी नोट करना, अगर पूछोगे तो हम आपको बता देंगे कि ये प्रूफ केस होता है। आप अपना कमेंट मेरे कमेंट सेक्शन में डालना, ये सर ये सब प्रूफ बताइए तो हम इसको प्रूफ भी बताएंगे। ठीक है, तो आपको ये अंडरस्टूड करना, आपको 11th 12th के चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, और आपको ये याद करना है कि 1 रेडियन होता है 57.296 डिग्री होता है ना। 1 रेडियन कितना था? 57.296 डिग्री क्या था? रेडियन होता। और साथ ही साथ आप इसको अप्रोक्सीमेटली याद करो, 1 रेडियन में 57 डिग्री होता। ठीक है, 1 रेडियन क्या था? देखो डिग्री का सिंबल हमेशा पॉइंट नहीं देना छोटे, है ना। आपको क्या करना, थोड़ा सा बिल्कुल गैप देना बीच में, थोड़ा सा क्या करना आपको गैप, तो ये गैप इस तरह से हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट क्या होता है, ये होता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया बात, 57 डिग्री हो गया। भी आपको समझ में आ गया, एंगल दो तरह के, बेस्ड ऑन डिग्री और बेस्ड ऑन सर्कुलर फॉर्म। ठीक, अब आपको हम और भी समझाते हैं डिटेल में, आगे चलिए देखते हैं। तो बेसिकली हम आपको सिखा दिए छोटी छोटी बातें, है ना। अब हम आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताने वाले हैं कि और इसमें ट्रिग, अब हम फाइनली आते हैं अपने चैप्टर पर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं, अभी थोड़ा थोड़ा सा बात आपको बता दी है ना, नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलते हैं।